इंडस्ट्रियल यूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पे आपको एक नोटिस रेलवे की तरफ से अभी अभी आई है, ठीक है। और ये नोटिस है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये नॉन टेक्निकल, यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के जो भी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आई है। और बेसिकली इसमें आपको जो वैकेंसी है वो इंक्रीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इसी को डिटेल में हम जो है शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आप जो है वीडियो पर यहाँ पे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कोरिडेंडम नंबर 2 यहाँ पे CN 5/2024 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। 5/2024 कोरिडेंडम नंबर 3 रिवाइज ऑफ वैकेंसी इतना नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो आपको पहले तो पुरानी जो भी इसमें वैकेंसी होंगे उसके बाद से रिवाइज आपका कितना वैकेंसी, जो नया वैकेंसी हुआ है इसी को यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल वाज पब्लिश्ड इन द CN इतना वेबसाइट RRB 13/9/2024, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो भी आपके वेरियस यहाँ पे रिक्रूटमेंट थे, ठीक है, पोस्ट ऑफ NTPC के जो भी आपके ग्रेजुएट लेवल के वेरियस रिक्रूटमेंट है वो आपको 13/9/2024 को क्या किया गया था, पब्लिश यहाँ पे किया गया था यहाँ पे, ठीक है। सब्सिक्वेंट टू द इंक्लूजन ऑफ द वैकेंसी फॉर PWBD एज पर द स्टेटोरी प्रोविजन द वैकेंसी एज पर पब्लिश एनेक्सर बी वैकेंसी टेबल ऑफ द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN इतना आर रिवाइज इन टर्म्स ऑफ पैरा नंबर इतना CN। तो जो भी आपके PWBD जो दिव्यांग कोटे के जितने भी इसमें आते हैं, दिव्यांग कोटे के तहत जितने लोग भी आते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे इसमें आपको साफ साफ यहाँ बोला गया कि जो भी वैकेंसी में उस समय पब्लिश हुई है, ठीक है, वो एनेक्सर नंबर भी यहाँ वैकेंसी टेबल है आपको पैरा नंबर 1.10 में, तो इसी को यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया, ठीक है, जो भी दिव्यांग कोटे के वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन ओनली फॉर PWBD कैंडिडेट्स। यहाँ देखिए जो आपका PWBD कैंडिडेट्स इज एक्सटेंडेड बाई 1 वीक, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या था, 1 वीक आपका इनका क्या हुआ है, 1 सप्ताह आपको एक्सटेंडेड मतलब बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे दिया गया द रिवाइज शेड्यूल फॉर PWBD कैंडिडेट्स इक्वल टू अबव 40% डिसेबिलिटी ओनली, ठीक है। इनको यहाँ पे दिया जाता था एज इज अंडर, ठीक है, 40% इसमें इनको डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए आपको क्लोजिंग डेट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कितना है, क्लोजिंग डेट का यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको 20/10/2000 इतना को, ठीक है। और डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग आपको 31 तारीख को, ठीक है। उसके बाद से डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो द करेक्शन के लिए आपको कितना क्या आपके विंडो वहाँ पे आपका होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फी प्लीज नोट द डिटेल यहाँ पे दिया है। तो आपको करेक्शन के जो भी आपके आपको जो विंडो खुलेगी वो 23 से आपको 30 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको PWBD वालों को यहाँ पे ये उनके बारे में है और पूरे RRB में कितना वैकेंसी पहले था उसके बाद से कितना वैकेंसी होगा इसी को हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल अदर टर्म्स और कंडीशन रिमेनिंग अनचेंज, ठीक है। तो कोई भी आपके कंडीशन है, ऑल अदर टर्म्स जितने भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो रिमेन चेंज अनचेंज मतलब यहाँ पे नहीं बदलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डेट आपको इसमें 5 को आज ही का आया था, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे जो आपके जो मेन जो चीज है इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए मेन चीज आपको ये है, ठीक है, कि आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे चीजों को और समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे RRB इलाहाबाद, तो ये RRB इलाहाबाद है, तो नोटिफाइड वार्ड PWBD वैकेंसी अगेंस्ट CN इतना को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैटेगरी नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 में दिया है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे देखिए 2, देखिए 1 और 5, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या आता था, चीफ कमर्शियल कम टिकट कर सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये 2 पद थे। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से देखिए ये वाला सारा चीज है आपका यहाँ पे, ये आपको पहले वाला वैकेंसी है RRB आपको यहाँ पे अहमदाबाद का, सॉरी यहाँ पे अहमदाबाद है, इलाहाबाद हम शायद बोल दिए हैं, ये अहमदाबाद का है। तो यहाँ पे ये पहले था, ये मतलब ये आपको पहले का वैकेंसी था, ये आपका बाद में यहाँ पे देखिए रिवाइज लिख रहा है, रिवाइज वैकेंसी फॉर इतना, तो ये आपका बाद का वैकेंसी है, ठीक है। तो यही आपको इंक्रीज यहाँ पे हुआ हर एक RRB का। देखिए इसमें अजमेर है, ये अहमदाबाद है, ये अजमेर है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए VI का इसमें पहले क्या था, 0 था, इसमें 4 था, HI का, LD का, OD का, MD का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 और इसमें 3, टोटल कितने, इसमें 7 ही वैकेंसी था। बाद में देखिए रिवाइज वैकेंसी हुआ है,
पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस, यानी कितना हो गया है 20, तो 7 से 20 आपको, ठीक है, इसमें 13 वैकेंसी बढ़ गई। तो इसी तरह से सारे आरआरबी में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो इसी को हम देख लीजिए यहाँ पे आरआरबी टोटल कितना आपका। अब देखिए आरआरबी अजमेर का देखिए सेम वैसे जैसे हम बताए हैं, ये अजमेर का है, तो अजमेर में देखिए पहले कितना था, इसको टोटल देख लीजिए यहाँ पे, देखिए आरआरबी टोटल दिखा रहा है, ये सब सारे पद हैं और मतलब ये सारे आपके किस नॉर्थ वेस्ट रेलवे में आता है, ये सब मतलब अलग अलग है। इसमें देखिए चीफ जो भी आपका टिकट सुपरवाइजर यहाँ पे है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो इसमें देखिए एक ये दो दो चार, ठीक है, टोटल इसमें कितना होते थे, इसमें चार था, बाद में कितना हो गया 4 2 6, ठीक है, 6 हुआ था। इसमें आपको अजमेर जोन में क्या हुआ है, 2 वैकेंसी यहाँ पे जो है बढ़िया रिवाइज वैकेंसी, ठीक है। ये सारे कितने हैं PWBD वालों के लिए, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेंगलुरु को देखिए, आरआरबी बेंगलुरु का कितना है, तो देखिए इसमें आपको जहाँ पे आरआरबी टोटल है 2 3, ठीक है, इसमें 3 था, ठीक है, बाद में कितना हो गया 10 15 20, फिर 20 हो गया, 3 से 20 हुआ, ठीक है, 17 इसमें आपको इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हर एक आरआरबी में आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और ये काफी ज्यादा जो है PWBD जितने दिव्यांग कोटे के लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और बता दें कि अगर ये यहाँ पे यहाँ बोला गया PWBD के लिए यहाँ पे जो भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए भी क्या होगा, आपका यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होगा, ये आपको जान के यहाँ पे पूरी तरीके से जो है यहाँ पे शांत रहना है, जरूर आपका वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपको देखिए भोपाल जोन का आरआरबी भोपाल का, तो PWBD का भोपाल जोन का लिए देखिए चीफ कमर्शियल, ये आपको जो है ये दोनों पद आपके हैं यहाँ पे, इसके देखिए टोटल इसमें 4 थे, बाद में कितना हो गया 1 2 3 5, ठीक, इसमें 5 हो गया, एक वैकेंसी यहाँ बढ़ी है, ठीक है। इसी तरह से भुवनेश्वर देख लीजिए, भुवनेश्वर में भी आपको जो है, अब देखिए टोटल हम देख लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे जल्दी जल्दी टोटल देख लेंगे, देखिए इसमें 4 और इसमें 7, 7 4 कितना 11 11 से 20, यहाँ पे देखिए 30 40 41, 7 11 से कितना हुआ 41, देखिए तो इतना आपको वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो PWD के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद से बिलासपुर देखिए, आपको बिलासपुर में देखिए 3 5, ठीक है, और ये 7 7 था, उसके बाद से 3 2 5 5 10 11 11 हो गया, ठीक है, ये आपको कितना हो गया 11 7 से 11, तो बिलासपुर में आपको इतना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए चंडीगढ़ में देख लीजिए कितना आपको बढ़ा हुआ है यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में आपको देखिए 2 और 11 13 13 टोटल हुआ है, इसमें देखिए ये आपको 13 हुआ, अब कितना बढ़ गया, तो 6 6 12, तो कितना हो गया 14, ठीक है, तो पहले आपको 13 थे यहाँ पे 14 हुआ, ठीक है। इसी तरह से चेन्नई में देखिए, तो चेन्नई में आपको आरआरबी चेन्नई में कितना हो जाएगा 5 8 13 13 7 20 21, ठीक है, यहाँ पे आपको 21 हो गया, यहाँ देखिए 13, यहाँ पर टोटल आपको इतना ही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना ही आपको इसमें दिया जो है आपको दिया गया है, ठीक है। यही आरआरबी सुभाष देखिए गोरखपुर में कितना है आपका, तो आरआरबी गोरखपुर, ठीक है, इसमें देखिए आपको 1 4 4 ही है, इसमें 2 2 4 5 6, बाद में कितना हो गया 6, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे काफी जो है यहाँ पे बना। उसके बाद गुवाहाटी में देखिए आरआरबी गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में देखिए तो आपको कितना है 2 4 6 6 12 12 से कितना गया 6 3 9 3 12, इसमें भी आपको 12 ही है, लेकिन अलग अलग आपको क्या किया गया है, एक एक वैकेंसी को इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर है श्रीनगर का, तो इसमें देख लीजिए श्रीनगर वाले जितने भी PWBD के अंतर्गत आएंगे, तो 3 यहाँ पे 3 वैकेंसी, बाद में भी आपको इतना ही हुआ है, ठीक है, इतना ही हुआ है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं यहाँ पे दिखाई दिया। उसके बाद से कोलकाता देखिए, काफी जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आरआरबी कोलकाता, ठीक है, इसमें देखिए 6 15 21 और यहाँ पे 21 और देखिए 2 यहाँ पे 23 है, ठीक है, तो 4 3 34 34 से देखिए गया आपको 13, देखिए यहाँ पे 8 13 13 4 17 3 20 2, ठीक है, 3 4 और 1 5, ठीक है, तो 34 से सीधे 50 हुआ था, कोलकाता में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मालदा, आरआरबी मालदा में देखिए कितना गया आपको यहाँ पे, सॉरी आरआरबी मालदा में देखिए तो 1 2 4 4 गया, 4 से देखिए 1 2 2 गया, ठीक, इसमें थोड़ा सा इसमें घटा है, ठीक है, 4 से आपको 2 यहाँ पे घटा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मालदा में
इधर उधर हुआ है, लेकिन मैक्सिमम आरआरबी में क्या हुआ, इंक्रीज ही हुआ है। उसके बाद से मुंबई में देखिए, ठीक है, मुंबई देखिए, यहाँ पे आरआरबी मुंबई में देखिए, थोड़ा सा इधर ऊपर कर देते हैं इसको, आरआरबी मुंबई में काफी ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखिए 10, 15, 3, 18, ठीक है, 15, 3, 18, ये आपका 18 हुआ, आप 11, 5, 16, 21, ठीक है, 18 से 21 हुआ है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पे देना, ये आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर आरआरबी में देखिए, यहाँ पे एमडी में एक ही है, ये इसमें भी एक ही है, तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम आपको इसमें है, ठीक है। उसके बाद से प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज देखिए, यहाँ पे प्रयागराज आपको यहाँ पे है देखिए, 1, 4, 5, ठीक है, 5 है। उसके बाद देखिए सेम आपको इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेम है आपको, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है, 5 इसमें भी। उसके बाद से पटना में देखिए, तो पटना में भी आप अगर देखें यहाँ पे, तो इसमें 1 है, ठीक है। उसके बाद से 1, 2, 2, 4, ठीक है, 4 है, बाद में यहाँ पे देखिए 4 ही है, ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंजेज नहीं हुआ है, सेम आपको वैकेंसी है, ठीक है। बस वही है कि मेन जो मैक्सिमम आपके जो आरआरबी है उसमें आपको बढ़ा है। रांची जोन में देखिए, तो रांची जोन में जहाँ पे देखिए 2, 3, 3, 1, 4, ठीक है, 4 हुआ है, फिर इसमें भी आप कितना है, 3, 1, 4, इसमें भी 4 है। सिकंदराबाद देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको सिकंदराबाद है। उसके बाद इसमें देखिए आपको, ये आपका 1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, उसके बाद से 6 यहाँ पे, 12, 13, 2, 15, इसमें देखिए 12, 13, 2, 15, ठीक है, इसमें 15 है। सिलीगुड़ी में देखिए, तो इसमें भी आपको 1 है, तो इसमें भी 1 है, ठीक है, तो सब मिला जुला के आपको इतना ही ज्यादा। तिरुवनंतपुरम में देखिए, तिरुवनंतपुरम लास्ट में, तो आपको देखिए तिरुवनंतपुरम में कितना है यहाँ पे टोटल, तिरुवनंतपुरम में देखिए यहाँ पे आरआरबी 2 है, यहाँ पे इसमें भी आपको 2 है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी इन ऑल आरआरबी ये आपको दिया गया है, टोटल वैकेंसी में यहाँ पर 27, ये 63 आरआरबी में, वीआई के कितना है 27, एचआई के यहाँ पे इतना इतना 27 इसका, 10 इसका और इसका 62, ठीक है। फिर इसमें चेंज कितना हुआ, 76 इसमें गया है, 82 इसमें और इसमें 44 टोटल यहाँ पे ग्रैंड टोटल आरआरबी बिफोर बैकलॉग वैकेंसी पहले के मुकाबले कितना है यहाँ पे आपको हुआ है, तो 264, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाकी अलग अलग आपके आरआरबी के भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। ग्रैंड टोटल आरआरबी टोटल बैकलॉग 270 यहाँ पे आपको टोटल हुआ है, जो कि यहाँ इसमें जो आपका आरआरबी बढ़ा है 264 से 6 इसमें बढ़ा है, तो 270 ये आपको हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इससे आपको एक चीज और सीखने को मिलती है, जितने भी नॉर्मल है, देखिए ये जो वैकेंसी है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पीडब्ल्यू बीडी के लिए यहाँ पे आपको है, ठीक है, जो भी आपके दिव्यांग कोटे के लोग आते हैं, ठीक है, दिव्यांग कोटे उनके लिए यहाँ पे बढ़ी है। लेकिन चेयरमैन का जो जो रेलवे चेयरमैन है उनका यहाँ पे कहना है कि वैकेंसी जो है जो इसको जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, तो जितने भी नॉर्मल जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए भी वैकेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये कन्फर्म है, क्योंकि इनका बढ़ा है तो उनको अभी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जो है फॉर्म जो लोग नहीं भरे हैं फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और दूसरी बात अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जो वैकेंसी आई है उसी को मद्देनजर देखें, लेकिन एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी इंक्रीज होगा यहाँ पे, मतलब जो भी वैकेंसी आएगी वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटा सा एक आप कह लीजिए कि आप लोगों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन देना तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।